चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने। बनारस जाने वाले हम लोग, प्रयागराज से बनारस जाएंगे ट्रेन से। तो हम लोग ब्लॉग बनाएंगे आज। तो कभी कभी मेरे अंदर ब्लॉग बनाने का भूत जागता है। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं बनारस जाने के लिए। आप देखो मैंने आईलाइनर लगाया है आज, मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ। ये देखो मेरे नेल्स। तो हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सामान वामान एकदम पैक हो चुका है हमारा, सारी चीज़ें, और हम रेडी होके जाएंगे ट्रेन से। तो ट्रेन में ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है ये भी आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर न्यू हो तो, और बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं वीडियो बनाती हूँ सब ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, तो मुझे हंसी आ जाती है, बट कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं क्या करना है। और गाइस देखो मैंने लाइनर लगाया है, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि ज़्यादा मेकअप मत कर लेना, बेइज्जती कर देते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम लोग रेडी होके तब आपसे मिलते हैं। बाय गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे हैं और टिकट ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी। मतलब कि हम लोग का अचानक से प्लान बना था, तो इसीलिए हम लोग अभी तत्काल की टिकट कटवा रहे हैं। तो अभी टिकट कट रही है हम लोग की। और ये देखो हम लोग की, ये मतलब हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, एक घंटे लेट थी ट्रेन, तो हम लोग को वेट करना पड़ा एक घंटे। बहुत ज़्यादा बोरिंग था ये। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और गाइस ये देखो, ये रही मेरी मम्मी। और गाइस आ गए हम लोग यहाँ पे। ये देखो गाइस, ये देखो मेरा भाई है। और ये देखो इसके पास आईफोन है। गाइस ये लोग आईफोन यूज़र्स हैं, हम लोग एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। हम लोग के पास एंड्रॉयड है, ये लोग आईफोन चलाते हैं। गाइस देखो हाय भी नहीं कर रहा मेरे व्लॉग में, कितना रूड है ये पागल। बट कोई बात नहीं गाइस, ये मेरा भाई है, कोई बात नहीं, घर वाले ले आए हैं। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। और ये है मेरी माता श्री, और ये है मेरा भाई, और इधर पापा भी बैठे हैं, और मेरी मम्मी मुझे हंसा रही है, वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। तो गाइस फाइनली हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा लेट थी हमारी ट्रेन, बट फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट से पहुंच चुके हैं। अभी काफ़ी रात हो रही है। और ये देखो हम लोग अभी स्टेशन पे अभी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। इतने दो घंटे का सफ़र था, लेकिन ट्रेन लेट हो रही थी इतनी, तो उसकी वजह से हम लोग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए। रात हो चुकी है। और आप देखो मैं अभी बनारस के स्टेशन पे खड़ी हूँ, रेलवे स्टेशन पे। ये देखो पीछे लिखा हुआ है आई लव बनारस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपना रूम ढूँढेंगे, होटल रूम, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या होता है। तो चलो देखते हैं कैसा लग रहा है आपको बनारस का स्टेशन। बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा स्टेशन है यहाँ का। और मतलब देख के एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है यहाँ पे। इसका आइलैंड बनारस है। इस बनारस में बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को, मतलब यहाँ के स्टेशन में इतना मज़ा आ रहा है। तो हम लोग जब एक्सप्लोर करेंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मंदिर जाने के लिए और दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ के। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और यहाँ पे ही हम लोग को इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब कि बहुत ही प्यारा स्टेशन है ये, आप लोग देखो कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। कितने अच्छे से सजावट कर रखी है, लाइट वाइट सजा रखी है। आप देखो ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर हमें। तो अभी हम लोग रूम देखेंगे, होटल देखेंगे अपने लिए रुकने के लिए, और देखते हैं कि कैसा हमें होटल मिलता है, उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे। गाइज मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बनारस आते हो तो होटल वगैरह का जुगाड़ अपना देख लेना,
क्योंकि यहाँ पे सावन में होटल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग को इतनी देर से हम लोग होटल ढूँढ रहे पर मिल नहीं रहा है, सारे बुक है एकदम, होटल फुल है, तो कहीं मिल नहीं रहा ना मम्मी। तो अपना पहले से जुगाड़ उगाड़ करके आना, देख लेना, वरना आप लोग को भी टहलना पड़ेगा, बहुत देर तक ढूँढना पड़ेगा होटल। बाकी जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, काफ़ी प्यारा यहाँ पर लोकेशन मुझे लगा देखने में। और अभी हम लोग घाट के पास जा रहे हैं। गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, बहुत देर से ढूंढने के बाद हमें एक रूम मिल गया है। होटल में हम लोग रुके हैं तो ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक रूम है और प्राइस भी सही है। आप लोग को 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा और काफ़ी सही रूम है। आप लोग को भी मैं रूम टूर करवाऊँगी। तो बहुत यार देखो, ऐसे ना टहलते टहलते रूम ढूंढते ढूंढते फेस की तो एकदम तजिया उड़ गई, वाट लग गई है, बट कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोग को रूम टूर करवाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये रूम का एंट्रेंस है, यहाँ से आते हैं। और गाइस मैं अभी बेड के वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है चलते चलते। एक बेड वो है गाइस और एक बेड ये है जिसपे मैं बैठी हुई हूँ। इसमें दो बेड हैं और ये देखो आप एसी भी है इसमें, और उधर पे एक वॉशरूम है और यहाँ पे बैल्कनी है। तो गाइज ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और एक मिरर भी है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये रूम और ठीक ठाक है। तो प्राइस के हिसाब से तो सही है। बाकी आप लोग यार देख सकते हो अपना, इनका एड्रेस मैं आप लोग को दे दूँगी कॉमेंट में। तो मैं यहाँ का इस होटल का एड्रेस या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी या तो फिर मैं आप लोग को बता दूँगी थोड़ी देर बाद यहाँ का एड्रेस, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। बाकी रूम काफ़ी सही लगा मुझे यहाँ का, पूरे बनारस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही लगा मुझे। तो यार गाइस चलो देखते क्या होता है आगे। और गाइस अभी रात के बज रहे हैं, पता नहीं 2:30 बज रहे हैं ना रात के, तो अभी 2:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और मैं ब्लॉग करूँगी कल कंटिन्यू। तो ये वाला ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट मैं दूसरे दिन अपलोड करूँगी, तो ब्लॉग का वेट करना। और ये अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। और मैं अभी नींद में इतनी ज़्यादा हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।